तो दोस्तों ये है मेडिकल कॉलेज, SK गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर। मैं सुना हूँ तुझे बात एक रात की, चांद भी अपनी पूरी जवानी पे था। और ये है हमारे मामा भांजा यूट्यूब चैनल से और इंस्टाग्राम पेज से, और एक बच्चे पार्टी इधर बैठे हैं देखो। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? और प्रोटीन शेक रेडी हो चुका है। प्रोटीन पीने के बाद में मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। ऑफिस में तो आज विशेष कुछ काम नहीं है, लेकिन उसके बाद में जाऊँगा एक रिटायरमेंट पार्टी में। तो आज आपको मैं शेयर कराने वाला हूँ मेडिकल कॉलेज की शेयर, यानी सीकर के श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज की शेयर कराऊंगा। वहाँ पे एक रिटायरमेंट पार्टी है, तो वहाँ पे आप इंजॉय करना। तो दोस्तों इमरजेंसी में आज हमें रेलवे स्टेशन पे आना पड़ा कुछ काम से, कुछ पार्सल लेना है हमें यहाँ से। ये देखो यहाँ से जो डाक पार्सल वहाँ से, और हमारे साथ है रविंदर जी। कैसे हो रविंदर जी? बढ़िया बढ़िया। पीछे देखो क्या है, पीछे तो देखो, ये देखो कितना शानदार तिरंगा है ना। तो ये देखो रेलवे स्टेशन कितना शानदार लग रहा है, बढ़िया। इसको मेंटेन रखा जाए तो कितना अच्छा लगेगा है ना, देखो वाव। और ये देखो कल तो मरीज बन रहा था, आज ये सिरिंज से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या भर रहा है इसमें? पानी। फिर क्या करेगा? ओह ओह, अरे ये क्या गलती बात, गंदा कर रहे हो। जे जे कहाँ है? जे जे कहाँ है? जे 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 वो रहा, जे 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 करो, जे जे करो, जे जे करो थोड़ा सा। हाँ अरे जे जे। देखो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल रोड का नज़ारा, और ये हमें मिल चुका है ऊँट। तो ऊँट को हम क्या गाड़ी में बैठा ले क्या? आपका क्या करना है जल्दी से कमेंट करके बताओ। अरे ऊँट गाड़ी में नहीं बैठेगा भैया, ऐसे नहीं है, आप कॉमेडी समझ लो इसको थोड़ा सा। और सामने देख रहे हो आप हर्ष का लुक, क्या लुक है, ऐसे लगता है जो एयरपोर्ट ही है यहाँ पे। तो सब रोड देखो सीधी सीधी एकदम स्ट्रेट। तो दोस्तों ये है मेडिकल कॉलेज, SK गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर। और अब हम गाड़ी किधर पार्क करेंगे भैया, कुछ जगह है क्या? तो दोस्तों ये है एकेडमिक ब्लॉक। दोस्तों ये देखिए एनाटॉमी विभाग है इधर, आपको मिलेगा एक गलियारे का अद्भुत नज़ारा। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है सिटोलॉजी, तो ये इधर आपको देखने को मिल रहा है। ये है मॉडल रूम, और यहाँ पे मॉडल्स है अलग अलग, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग डायग्राम्स। यह म्यूज़ियम, अब म्यूज़ियम में आपको क्या मिलेगा, ये बॉडी पार्ट्स, बहुत कुछ मिलेगा नहीं। यह है ऑर्गन डेवलपमेंट स्ट्रक्चर सेल्स, तो इस तरह से सभी चीज़ें इसमें हैं। ऊपर देखिए आप क्लासेस हैं, और यहाँ पे जनरली ये है खेल का, इंडोर टाइप से मान सकते हो आप, अलग अलग गेम्स खेलने के लिए। तो ये भी फ्रंट का हिस्सा आप देख पा रहे हैं, पीछे इसमें यहाँ पे स्टेज या प्रोग्राम होते हैं। पीछे इसमें बहुत जगह है, बहुत सारे हॉस्टल, जो स्टाफ क्वार्टर्स, डॉक्टर्स क्वार्टर, रेजिडेंट हॉस्टल, ऐसे बहुत सारे हॉस्टल अंदर हैं। पीछे की तरफ साइड है वो बिल्डिंग में, तो वो भी आपको आगे दिखाएंगे हम। मैंने प्रयास किया है सेवा करने का, बाहर मेन गेट से लेके इनको अंदर में ही लेके आ रहा हूँ सबको। 10 बार मेन गेट पे जाके आ गया, फिर भी यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने। अगर आप 10 बार वहाँ जाके आ जाओ ना, तो यहाँ शहीद खड़ा कोई और ही रहे। थैंक यू। ओमपाल जी आ गए हैं।
दीवाना थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, परियों की रानी है मेरी महबूबा। आनंद जी जो बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी और अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, अपने सीकर में नहीं, इनका राजस्थान नहीं, पूरे भारत में इनका तहलका हो रहा है, वो आपकी फोटोग्राफी कर रहे हैं, आपके वीडियोस बना रहे हैं, लाइक्स करेंगे आप। इनकी एक पिक्चर आ रही है अभी हाल ही में, वो बहुत डुपर सुपर डुपर होने वाली है, एक पिक्चर और पूरा इन्होंने बुक किया है। धन्यवाद सभी भाइयों का। बनवारी जी का सभी मंचस्थ मेरी जी हाल थी सी सभी सभी यहाँ नज़दीक आकर के और इस प्रोग्राम को ही राज की सेवा में बिताने के बाद में आज ये सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा समय बीमारों की सेवा में दिया है। सम्मान की इस कड़ी में मैं अब निवेदन करना चाहूँगा राम सिंह जी शेखावत साहब से कि वो डॉक्टर महेंद्र जी खिचड़ पीएमओ साहब और नर्सिंग अधीक्षक महोदय विदा हो रहे हो हमें ना बुलाना, आँखों से दूर जाके दिल से न जाना। विदा हो रहे हो हमें ना बुलाना, आँखों से दूर जाके दिल से न जाना। बोलो दर्द तो सिर में हो रहे आ गोली जैसी पेट में, काम क्या घर से? तो बॉस ने कहा बोल बाबा एक बात बता, तू बीज तो वो है जमीन में और सिट्टो काटा ऊपर और क्या? बोलो भैया ही गए। बोले भैया तो बॉस की हाजिर जवाबी। मैं तो 95 से बॉस को जानता हूँ। मैंने ओम सिंह जी के साथ मोबिन जी के साथ 1996 में मुझे ओटी में लगाया गया था और मैंने 4 साल तक ओटी में काम किया। मैंने ओटी में मतलब इतने 4 साल परफेक्ट हो गई, पूरी जनरल ओटी ENT का ऑर्थोपेडिक का जो भी केस है मैंने बेझिझक होके किया। मैं सुना हूँ तुझे बात एक रात की, चांद भी अपनी पूरी जवानी पेता, चांद भी अपनी पूरी जवानी पेता, दिल में तूफानी था एक अरमानी था। हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स के जो रिश्तेदार यहाँ पधारे हैं मैं उनका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि राजस्थानी ओडनी ओडेडी एज की बेटी हैं। लगे हैं कि बराला जी को बहुत ही ज़्यादा बराला जी को स्नेह रखे हैं, जना सारी आई हैं। बराला जी हमारा रिश्तेदार भी हैं, थोड़ी थोड़ी सांची बोलें बाबा आता की जरूर है पर सांचू बोलना चाहे जे। मैं तो धन सहना भी करना चाहूँ ये मंच का माध्यम से कि जिये की ऐ सेवा करी बिये की थे भी सेवा करो। ओम सिंह जी का बारा में, राम सिंह जी का बारा में, मोहम्मद हुसैन का बारा में तो कहना ही कहीं है। ओम सिंह जी तो यह है कि आ नर्सिंग ऑफिस का गुरु को नहीं तो माखा भी गुरु रेड़ा है। मैं नया नया इठे आया हाँ जना बड़ी बड़ी सर्जरी करता ओम जी कहता साहब मैं खड़ू थे तो कर लियो। तो मन कह मैं कोई शर्म को नहीं कहा, मन काम को नहीं सिखायो काम सिखायो, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में करते हैं तो वहाँ काम करने का तरीका अलग होता है, यहाँ काम करने का तरीका अलग होता है। हमारे 4 सीनियर साथियों ने 11,000 रुपये दिए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अपने SK हॉस्पिटल के ऑफिस में देवू जी जब रिटायरमेंट है तो 1,00,000 रुपये दे के गए थे, उसका फर्नीचर अभी बना हुआ है, नई बिल्डिंग बन रही है तो अभी अपने को SK हॉस्पिटल फर्नीचर की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब नया बिल्डिंग बन जाएगी, नया थिएटर बनेगा, नया मेट्रो ऑफिस बनेगा तब उस वक्त अपन उसको देख लेंगे। तो अभी जो ये 44,000 रुपये आए हैं प्लस 1,00,000 रुपये तक की मैं घोषणा करता हूँ, 44,000 तो ये
प्लस बाकी के जो बचेंगे 1 लाख रुपए तक का फर्नीचर जनाना नर्सिंग ऑफिस जो है उसमें लगा दिया जाएगा। अपनी नाराजगी गीला शिकवा सब आज छोड़कर हमारी ओर से आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिर भी कोई गलती हो गई हो तो 138 किलो वजन की झोली में डाल जाना, ले जाएगा 50 ग्राम वजन बढ़ जाएगा, लेकिन कोई गीला शिकवा लेके मत चलेगा। आज के इस जंबो रिटायरमेंट प्रोग्राम ये जंबो कहेंगे कि चार जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स ओम सिंह जी, राम सिंह जी, बनवर जी बराला और मोहम्मद जी हुसैन, तो मेरे गुरु थे डॉक्टर आर के जैनम। वो कहते हैं यार इन डोगरों को तू कैसे बुलाता है। मैंने कहा सर ये मेरा मतलब सम्मान, मेरा गांव याद आता है और खुशी होती है। तो जिस प्रोग्राम में सब और जूनड़ी वाले होते हैं तो अपने आप ही सफल प्रोग्राम होता है। और ये जब तक ये सब वाले हैं अपने समाज में तब तक अपने यानी कि जो भी सीनियर सर कहने का मतलब जो भी सीनियर आदमी बैठे सब का मतलब यही है कि ये सीनियर आदमी इस प्रोग्राम में आ गए तो अपना प्रोग्राम अपने आप ही सफल हो गया। तो ये दोस्तों मेडिकल कॉलेज में बारिश स्टार्ट हो चुकी है, आप देख रहे हो। वैसे सिकर भी हुई है तो मेडिकल कॉलेज में तो आनी है। और क्या नज़ारा है, सभी लोग यहाँ पे फंस चुके हैं कि बारिश रुक जाए तो हम आगे जाएं। ये देखिए, और बारिश आने के बाद में धूप चिलचिलाती है यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। नितेश ने तो आँखें बंद कर ली है, मैंने चश्मा लगा लिया तो बच गया भैया। तो आगे का सीन देखो आप मेडिकल कॉलेज का। और ये देखिए दोस्तों मेडिकल कॉलेज का डाइनिंग हॉल, और डाइनिंग हॉल में चल रहा है खाने का प्रोग्राम। तो दोस्तों खाना स्टार्ट कर दिया हमने, दाल मिक्स सब्जी चावल रायता। और हितेश भी एंजॉय कर रहा, देखो हितेश भी खा रहा है। ओए होए क्या बात। तो दोस्तों देखो आपको मैं किसी स्पेशल इंसान से मिलाने वाला हूँ, और ये है हमारे मामा भांजा YouTube चैनल से और Instagram पेज से। जस्ट 1 मिनट एक कॉल आ गया, तो हितेश और हम मुलाकात करें। तो सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या चल रहा है स्पेशल कुछ? एक फिल्म बना रहे हैं अपने जो ग्रामीण खेल है ना ओलंपिक। अच्छा, ग्रामीण ओलंपिक पर बना रहे हैं, उसकी जयपुर में शूटिंग करेंगे इस समय। ठीक है। और कॉमेडी वाला अच्छा चल रहा है? हाँ कॉमेडी वाला। एक दिन सर से आके मुलाकात अलग से करेंगे, और ये हमारे वैसे काफ़ी परिचित हैं, और एक स्पेशल मुलाकात करके सर से जानेंगे कैसे इस चीज़ की इन्होंने शुरुआत की। तो एक इंटरव्यू टाइप से इनका कुछ लेते हैं सर, चलें जल्दी मुलाकात करते हैं। आपको सर का इंटरव्यू एक डिटेल मिलने वाला है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया है, तो मामा भांजा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। राम राम भाइयों, आपने आनंद जी है जो हमारे साथी है, बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाते हैं और इंटरटेनमेंट करते हैं आपको। आनंद राज 24 को भी आप सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, सपोर्ट करें भाई को। आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी इनके आगे आगे। सर और हम मिलके कुछ प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, तो साथ मिलकर साथ जरूर आगे बढ़िया प्रोजेक्ट करेंगे और आपको खूब एंटरटेनमेंट करेंगे। राम राम भाइयों। वो एंट्रेंस गेट है देखो, वहाँ से 2 एंट्रेंस गेट है, ये मेन बिल्डिंग है, एडमिन ब्लॉक बोलते हैं जिसको, जिसमें कि लेक्चर वेक्चर होना, प्रैक्टिकल होना, सब चीज़ें होती हैं। फिर ये गर्ल्स हॉस्टल आ गया, फिर ये डाइनिंग हॉल आ गया, फिर आगे रेजिडेंट हॉस्टल आ गए, फिर ऐसे स्टाफ क्वार्टर्स आगे बने हुए। तो दोस्तों मेडिकल कॉलेज से अभी हम निकल रहे हैं और जाएंगे घर की तरफ, और कुछ सुमन जी की वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, और रिकॉर्डिंग के बाद में देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो हाल फिलहाल हम निकलते हैं घर के लिए। ये देखिए हमारे कुछ साथी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो हम निकल चुके हैं पूरी बच्चा पार्टी को लेके। बच्चा पार्टी इधर दिखाओ, अरे एक बच्चा पार्टी इधर बैठा है, एक पीछे बैठा है, और एक बच्चे पार्टी इधर बैठे हैं देखो। और हम निकल गए हैं घूमने के लिए, और इनको हम घुमा के लाते हैं बगीचे में, पहाड़ों में, प्रकृति के पास, है ना। तो आगे का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा ब्यूटीफुल। चले, आर यू एक्साइटेड? यस। ओके, तो ये देखो बाबू कैसी जगह पे आ गए हम, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ पहाड़, और यहाँ पे हम हैं शोभावती नदी में, और नदी में हम घूम रहे हैं। और इधर देखो पीछे कौन है, उधर मम्मा, मम्मा भी देख रही है कैसी जगह है, और मीकू और भाई खेल रहे हैं, है ना।
बोल बम ताड़िक बम, बोल बम ताड़िक बम, बोल बम ताड़िक बम। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पहाड़ों से नीचे और हमने सांगरवा क्रॉस कर दिया और हम गोरिया की तरफ जा रहे हैं। ये देखो चांद कितना अद्भुत नजारा है ना, कितना खुला आसमान, मस्त मौसम, बहुत बढ़िया लग रहा है। आज बहुत मजा किया, एंजॉय किया और बहुत ही शानदार दिन रहा आज का।